कोतवाली मुरादाबाद अंतर्गत कटरानाज में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब धार्मिक स्थल पर अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। मामला रात करीब 10:30 बजे का था, लेकिन सुबह जब क्षेत्रीय लोगों को इस मामले की जानकारी मिली तो बाजार बंद कर दिया गया। बाजार बंद की सूचना जैसे ही पुलिस और प्रशासन को मिली तो आनन फानन में प्रशासनिक अफसर भी घटना स्थल पर पहुंच गए। धार्मिक स्थल के पुजारी से पुलिस ने मामले की जानकारी ली तो पुजारी ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे अज्ञात लोग धार्मिक स्थल के पास नशा कर रहे थे, जिसका विरोध पुजारी ने किया, लेकिन उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। मामला ये रात की घटना है। मैं मुकेश शर्मा, सनोप श्री रामचंद्र शर्मा, पुजारी बिहारी जी मंदिर कटरानाज। मैं रात मंदिर परिसर पर खाना खा के टहल रहा था, तभी मुझे कुछ नीचे आवाज़ सुनाई दी। मैंने ऊपर से झांक के देखा तो कुछ लड़के नशा कर रहे थे, तो मैंने उन्हें टोका, जो कि मंदिर के गेट के बाहर खड़े हुए थे। मैंने उन्हें टोका कि आप मंदिर परिसर से हटके कहीं भी कुछ करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो लड़के वहाँ से चुपचाप चले गए। करीब 15-20 मिनट बाद में पूरा झुंड आता है। आते उन्होंने दूर से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, धार्मिक अभद्र भाषा की उन्होंने, और उसके अलावा उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिससे पहले मैं कुछ समझ पाता। मेरे भी एक पत्थर बाल बाल लगते लगते बचा था, और फिर मैं बड़ी मुश्किल से भाग के मैंने अपनी अंदर जान बचाई। तो ये तांडव कम से कम 15-20 मिनट होता रहा। इस बीच मैंने डायल 100 को कॉल किया, फिर डायल 100 आई वहाँ पर, उसका हुटर गए, डायल 100 के हुटर की आवाज़ सुन के वो लोग भाग गए वहाँ से, वो गैर वारदात से, और उन्होंने जाते जाते मुझे जान से मारने की जी। कौन लोग ये अज्ञात लोग थे? अच्छा, पुलिस का कहना है कि उस वक्त दरवाजा बंद था, सभी चीजें दरवाजा बंद था, ये पत्थर दरवाजे के ऊपर से गैलरी से आ रहे थे। अब क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा और क्या क्या मांगे? पुलिस प्रशासन की तरफ से मेरी रिपोर्ट लिखाई गई है, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। बाजार में एक बिहारों वाला मंदिर है, तो वहाँ एक पुजारी जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि रात में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनके घर पर पथराव किया गया है। उसी संदर्भ में हम लोग आए हैं, उनसे बातचीत की गई है, उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। यद्यपि उन्होंने किसी की शिनाख्त नहीं की है, अज्ञात में तहरीर दे रहे हैं। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जाँच की जाएगी। क्या माना जाए किस तरीके से? प्रथम दृष्टिया जो बता रहे हैं अभी हमारे पास है, अब जाँच के बाद ही तथ्य सामने आ पाएंगे क्या मामला है। भाई एक घटना हुई है तो उनकी सहानुभूति में लोग आए हैं, उनको समझाया बुझाया गया है कि तहरीर ली जा रही है, मुकदमा पंजीकृत होगा, जाँच करते आए थे लोग। अब दुकान खोल रहे तो यहाँ का बाजार बंद था, हम भी इधर को आए थे कटरे, पता चला कि यहाँ रात पीछे जो कटरे में मंदिर है वहाँ पर पथराव हुआ है। पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है, प्रशासन यहाँ मौजूद है, लेकिन बाजार अभी भी बंद है। तो हम सिविल डिफेंस के वार्डन में काफी जाते हैं। तो किसी के घायल होने की, किसी कोई चोट ना, कोई घायल कोई नहीं। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया गया है। लेकिन इतने में व्यापारी नेता भी धार्मिक स्थल पर पहुंच गए और सभी ने बाजार बंद करने की धमकी दे डाली और सुरक्षा व्यवस्था कराने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने व्यापारियों की मांग को मान लिया और बाद में बाजार खोल दिया गया। कल रात में कुछ नशे के इंजेक्शन लगा रहे थे कुछ लड़के, वहां पे पुजारी जी के द्वारा टोका टोकी की गई, जिसके विरोध स्वरूप 15-20 अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, जिसमें उन्होंने कहीं दे दी क्या कोई किसी के घायल होने की सूचना है? कुछ नहीं, किसी को लगा नहीं था क्योंकि गेट वगैरह चारों तरफ से लॉक था, आंगन में कुछ पत्थर पड़े हुए मिले, इसकी जाँच की जा रही है।